जमुआ प्रखंड के सियाटांड पंचायत अंतर्गत गोलहैया गांव में 2014-15 पीएचईडी के द्वारा 22 लाख रुपए से निर्मित जल मीनार बनी है शोभा की वस्तु। गर्मी प्रारंभ होते ही गांव में फिल्मी डायलॉग पहले आओ पहले पाओ की श्लोक का खूब सूट कर रहा है। अर्थ यह है कि पानी के लिए सुबह ही कुआं में नंबर लगाना पड़ रहा है, तभी जाकर आप पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। जाए तो जाए कहाँ, कहीं चापाकल बंद पड़े हैं, कुआं तालाब नदी सूख चुका है, पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि 7 साल पहले गांव में जब जल मीनार बनी हम लोगों की उम्मीद जग गई, अब हमें शुद्ध जल घर तक पहुंचेगी, लेकिन यह सब एक सपना ही रह गया। केवल ठेकेदार के उद्देश्य यह जल मीनार का निर्माण किया गया और ठेकेदार अच्छा पैसा अपना पैकेट गर्म करके निकल चुके और हम लोग गर्मी में मर रहे हैं पानी के लिए, जबकि सरकार की ओर से पूरे गांव में पंप बिछाया गया है, घरों तक नल पहुंचाई गई है, जल मीनार के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लाइन की व्यवस्था है, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच पाई। देख रेख के अभाव में धीरे धीरे सामान भी हो रहा है गायब, 3000 की आबादी प्रभावित हो रही है। फोन के माध्यम से जमुआ विधायक केदार हाजरा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पीएचडी विभाग से बात करके शीघ्र ही चालू करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पीएचडी विभाग से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई लेकिन अधिकारी कॉल को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जी नमस्कार, मैं दीपक वर्मा गिरडी से, और आज हम चल रहे ग्रामीण स्तर पर एक जल की समस्या को लेकर के, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग एक घर की मकान नहीं है, एक जल मीनार की है, जो कि कई करोड़ों लाखों से लागत से बनी जल मीनार और शोभा की वस्तु बनी हुई है। हालांकि यहाँ जनप्रतिनिधि लोग ने उद्घाटन कर चुका है और पिता भी कर चुका है, मगर आज तक नजर नहीं आया पानी कहाँ है, क्या कहता है ग्रामीणों से बात करते हैं। फिलहाल देखते हैं लाइव दर्शन और देखिए कि जल मीनार में जो लाखों रुपये करोड़ों रुपये खर्च किया गया है वो पैसे कहाँ गए हैं। ये भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार लोग अपनी योजनाओं को पीएचडी विभाग से करवाया गया काम, जो कि किस प्रकार करवाया गया है कि योजना धातु पर कागजी के प्रक्रिया में पानी तो गाँव में मिल रहा है मगर जमीनी स्तर पर क्या है देखते हैं जीरो मीटिंग पर जाकर के। और फिलहाल देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये छत का मकान नहीं जल मीनार है जो पीएचडी विभाग द्वारा बनाया गया है। ये 2015-16 में काम किया गया है और आज तक जल मीनार से गांव में एक भी घर पानी नहीं पहुंचा है। ये हम नहीं कहते, यहाँ के ग्रामीण कहते हैं और लोगों से बात करते हैं। फिलहाल मुंद्रिका विश्वकर्मा जी, ये जल मीनार से लगा हुआ टंकी क्या पानी अभी तक चालू हुई? नहीं, चालू नहीं हुआ है। जब से निर्माण हुआ से अभी तक पानी एक भी घर नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच रहा जी। तो क्या आप पीएचडी विभाग से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हम लोग चाहिए टंकी चालू होना चाहिए। अभी जल मीनार से पानी चालू नहीं, तो आप लोग पानी कहाँ से ले रहे हैं? ले रहे हैं, नाक वहाँ दे रहे हैं, सब सूख रहा है, आप कहाँ से लेंगे जी? अगर पीएचडी विभाग जल इस पर कार्रवाई नहीं करे तो कई घर ऐसे हैं जो पानी की वजह से मर जाएंगे, जल प्रवृत्ति के लिए मर जाएंगे, तो उसकी कार्रवाई कोई और नहीं पीएचडी विभाग होंगे। फिलहाल धन्यवाद। फिलहाल हम लोग बात करते, कई बातों पर चर्चा हुई और ग्रामीण भी जो एग्जिट हो चुके हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं कि ये जो बिल्डिंग है किस चीज़ का बिल्डिंग है। जी चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है किस चीज़ का बिल्डिंग है? जल मीनार है। जल मीनार है, कब का योजना है सर? कितना 2014-15 करीब 22 लाख की योजना है। जी, तो ये क्या, ये आज जब पिता का था तब से क्या पानी आया है क्या? जब शुभारंभ किया गया है, जब नारियल फोड़ा, विधायक लोग गए होंगे, कई जनप्रतिनिधि लोग आए होंगे, तो नारियल फोड़ा होगा तो पानी गिरा होगा, फिर उसके बाद कभी पानी आया है क्या? नीचे इधर से पानी नहीं आया जी। चाचा जी कहना है कि नारियल तो फूटी, पानी तो नारियल में गिरी, मगर नल का पानी अभी तक नहीं मिला। नहीं। नल के पानी कहाँ गया? ग्रामीणों ने आवाज उठाया है लोगों से और अपील करता है कि पानी कहाँ गया, इसकी जनप्रतिनिधि लोग आवाज जवाब दे। और क्या कहना चाहिए और कुछ कहना चाहिए? पानी मिलना चाहिए, हाँ अभी गर्मी का दिन है, पानी को आदमी को मिलना चाहिए। अभी कोई कोई किस तरह से खराबी है इसमें से मरम्मत करके पानी दिया जाए। फिलहाल क्या कहता है, ये जांच के विषय है, हम तो नहीं बोल सकते कि हम मैकेनिक नहीं है। फिलहाल हम आपका एक न्यूज रिपोर्टर के माध्यम से बता रहे हैं कि इस पे सरकार के अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए और इस पीएचडी विभाग से जो इंजीनियर होंगे या यहाँ के जो ठेकेदार होंगे, वैसे भ्रष्ट अधिकारियों और जो नेता भी लोग हैं उन लोगों से बात करके इस पर कार्रवाई अविलंब किया जाए। और सीएट पंचायत गोलहैया में जल आपूर्ति विभाग को कहते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए और ग्रामीणों को भी
जल्द पहुँचा गया। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम होता है मेघलाल राणा। मेघलाल राणा जी आप कहाँ से हैं? इस जगह पर क्या है, इसका आपका नाम क्या है? इस जगह का गोलैया नाम है, सिंहटा पंचायत के गोलैया गाँव। हाँ, गोलैया गाँव जी। उसने कर दूँगा जी जी। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में बताइए? इस विषय में यही है जी कि हम लोग को जल होना ही चाहिए, अभी गर्मी का महीना है। आप विभाग से क्या मांग करते हैं? विभाग से मांग यही जल का मांग कर रहे हैं, जल निर्माण। जल ये जो जलमिरा बना हुआ अभी हम चालू किया जाए। हाँ, चालू किया जाए। कई साल पहले बन चुका है और बनने के बाद में ये पानी अभी तक गांव में नहीं पहुंच पाया है और इसके पाइपलाइन समूचे गांव में बिछाया गया है और पानी जो है पंप भी खोल उखाड़ करके फेंक दिया गया। बहुत से आदमी कुछ गलत तरीके भी काम किए हैं, तो पानी अभी नहीं लग पा रहा है। जो सरकार से मेरा निवेदन है कि यहाँ के पानी के बिना बहुत तकलीफ हो रही है, इसको चालू किया जाए। हमारे जो जमुआ प्रखंड कसियाटर पंचायत ग्राम गोलहिया में जो जल मीनार लगी हुई है मुझे संज्ञान में है और मैं बहुत जल्द पेयजल स्वच्छता विभाग के जो अधिकारी है, जो पीएचडी जो स्कूटी इंजीनियर है, उनसे बात करके बहुत जल्द इसको चालू करवाने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो गठबंधन की सरकार, जो हमारे विभाग जो मंत्री हैं, उनसे भी बात करके बहुत जल्द इसका हम चालू करवाने की कोशिश करेंगे ताकि अगल बगल ग्रामवासियों को पानी की सुविधा मिल सके और लाभ मिल सके। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। वो 2014 में जल मीनार लगा था और उसमें काम भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से वह रुका हुआ है। उसमें कुछ कमियां भी रह गई थी जिसके लिए हम लोगों ने माननीय विधायक जी को भी संज्ञान में लिए हैं, उन्होंने भी संज्ञान में लिया है और विधायक जी भी आश्वासन दिए हुए कि अति शीघ्र उसको चालू करवाया जाएगा। और पीएचडी के स्कूटी साहब से भी हम लोगों ने इस विषय को लेकर के बात किए थे। कुछ दिनों से वहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही थी हम लोगों को, जिसका निराकरण के लिए माननीय विधायक जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने दिया है और उन्होंने भी तत्परता दिखाई है। उनके माध्यम से भी स्कूटी साहब को भी जानकारी मिली है और हम लोगों ने भी माननीय विधायक के माध्यम से और पीएचडी के स्कूटी साहब को भी संज्ञान में दिया और उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग उसको चालू कर पाएंगे। जी धन्यवाद। पास पहुँच चुके हैं और ये जमींदार जो पीछे दिख रहे हैं ना, ये जलमियार के आगे हम लोग ग्रामीण को भी एकजुट किए हैं, बात की ग्रामीण से, ग्रामीण भी एकजुट हो चुके हैं। और ग्रामीण क्या कहते हैं फिलहाल हम लोग लाइव देख रहे हैं और देखिए क्या कहते हैं। जी चंद्र जी बताइए ये पीछे वाला क्या है? ये जलमीनार है। जलमीनार कब बना था ये? करीब कई वर्षों पहले। कई वर्ष पहले जी ये बता रहे, कई वर्षों पहले बन चुका है और कई 22 लाख का ही योजना है जी। 22 लाख हम लोग यहाँ पर गोलैया ग्रामीण में सेंटर पंचायत में जो ऐसे बहुत भारी दिक्कत हो रही है, इसलिए कि यहाँ का जल निर्माण होना ही जरूरी है। कि यहाँ का जल निर्माण नहीं होने से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है कि हम लोग बाल बच्चा ही सहित सबका इथि व्यस्त हो रहा है, इसलिए माने जो ऐसे जल निर्माण होना चाहिए।